पिछली वीडियो में कुछ इलाके मैं आपको कवर कर के नहीं दे सका, क्योंकि वो एक तो हमारे पहुंच से दूर थे और वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ था। कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ तक मेरी रीच थी, आपको मैंने कहा भी था कि जहाँ मेरी रीच होगी वहाँ मैं वहाँ तक जाऊँगा और वो कवर करके आप लोग को दिखाऊँगा। साथ रहिएगा, आपको भी दिखाएंगे कौन कौन से इलाके इन्फेक्टेड हुए हैं और उन तक मदद के लिए। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। आज सेकेंड डे है सैराब ज़दगान के लिए दोबारा मदद के लिए पहुँच रहा ना, गाड़ी में रख दिया गया, कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं। ये पानी है और ये खाना है, इंशाल्लाह ताला ये मुतासरीन तक पहुँचाते हैं। और कपड़े शपड़े वगैरह पड़े हैं, बस दिखाने का यही मकसद है कि अल्लाह ताला हमें इतनी हैसियत दे जो तो हम औरों के काम आए। कोशिश करें कि यहाँ पर जो सामान है वो आप नहीं है आगे तक पहुँचाएँ, क्योंकि रोड के ऊपर लोगों को सामान दिया जा रहा है, वो अपने पास स्टॉक कर रहे हैं। काइंडली आप प्लीज़ नहीं है यहाँ से सामान आगे दे के मुख्तलिफ इलाकों में। बादल सर पे मंडरा रहे हैं, काफ़ी गहरे बादल हैं, अल्लाह खैर। कर चाचा पानी को न दे, वो चक्कर आने बंद। अल्हम्दुलिल्लाह परोए से हमने वापसी कर ली, वहाँ पर सामान वगैरह तकसीम कर लिया, से कुछ सवारियाँ वगैरह उठाई हैं जो फंसे हुए थे, और ये रास्ते में हम पर बारिश दोबारा शुरू हो गई। अल्लाह खैर की बारिश करे, क्योंकि सैलाब ज़दगान तो वैसे भी बेघर हैं, उनका अल्लाह खैर करे। राशन वहाँ पर हमने तकसीम कर लिया है, और इस तरह हमारे साथ काफ़ी लोग वॉलेंटियर्स थे जो अपनी मदद आप आकर लोगों के साथ भरपूर मदद कर रहे थे, राशन वगैरह तकसीम कर रहे थे, जिससे जो कुछ हो रहा था वो कर रहे थे। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं इसको बहुत खुशी फील कर रहा हूँ, और उसमें हम भी शामिल थे। और हम अब फाइनली वापस घर पहुँच आए हैं, और हमारे साथ रहिएगा मज़ीद अपडेट्स के लिए। अब के लिए इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।